वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। पहली बात तो आज आपको 68,500 का वो मैटर, 30, 33, 40, 45 परीक्षा, सब जो लोग बच्चे नए होंगे, कुछ बच्चे भाई साहब शिक्षक भर्ती नए जुड़ रहे हैं जिन्हें चीज़ें समझ ही में नहीं आ रही हैं कि है क्या क्या नहीं है, 68,500 में क्या हुआ, ये कोर्ट भर्ती कोर्ट में क्यों थी, आज फिर किस तरीके से। देखिएगा, अभी की अपडेट है, आपको बता दूं, लेटेस्ट हाई कोर्ट लखनऊ ने 68,500 शिक्षक भर्ती में 33-30 मामले पर डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें स्टेट से 6,800 चयन सूची पर इंस्ट्रक्शन मांग लिया और 11 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कल की सुनवाई में पेश किया गया। समझना बात को, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों के बहुत सारे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिएगा कि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कल की सुनवाई में पेश, फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कल की सुनवाई में पेश किया गया, ठीक है। तो ये सारा जो वर्डिक्ट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या सारा मामला है, तो उसके लिए ही हमने तुरंत जो इसमें क्या नाम है इनका, अभिषेक पाठक जी, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, अभिषेक पाठक जी, जिनसे मेरी बातचीत हुई, और उनसे बात करने के बाद एक एक पॉइंट भाई साहब मुझे भी क्लियर हुआ और आपको भी क्लियर होगा। मैं खुद यहाँ पर लाइव रहकर वो चीज़ आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। जो भी बच्चे हों, चाहे वो 68,500 के हों, 69,000 के हों, 97,000 शिक्षक भर्ती के चाहे हों, ठीक है, वो सारे लोग ये वीडियो सुने और समझें कि मैटर आखिरकार है क्या ये, ठीक है, कि मैटर है क्या, पूरा आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बहुत ही इन डिटेल उसने समझाया है, मैं वीडियो कट भी नहीं करने वाला हूं किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये देखिएगा, आपको मैं दिखाऊं यहां पर चीजें कहां गया, ये रहा, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं ऑन करता हूं, आप लोग सुनना मेरे साथ साथ और समझना भी दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके हाँ हेलो। अब आप बताएं क्या मैटर क्या है ये पूरा पूरा मैटर ये है कि सर ऐसा था कि पहले तो 2013-14 की बात है जब पिछली सपा सरकार थी प्रदेश के अंदर, तो उसमें इन्होंने किया क्या था कि शिक्षा मित्रों को जो है 1,37,000 पदों पर समायोजित कर दिया था। तो पूरे शिक्षा मित्र यूपी में 1,72,000 शिक्षा मित्र थे और प्रेजेंट टाइम में यूपी में 1,58,000 शिक्षा मित्र अभी भी कार्यरत हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब 27 जुलाई 2017 का सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर आता है, जूजू ललित और आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ थी, जिसमें कि ये बात कही गई कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया क्योंकि ये जो पिछली सपा सरकार थी उनको टेट क्वालिफाई नहीं करवाया था और डायरेक्ट ही ब्लैंक बीटीसी करवा करके इनको समायोजित कर दिया था। और जब यूपी गवर्नमेंट आई तो 2017 में क्योंकि इलेक्शन हो गए थे, उसके बाद सपा सरकार चली गई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है तो ये बोलती है कि ठीक है आप लोगों को जो पिछला मंडे मिल रहा था उस पे हम लोग 10,000 कर दे रहे हैं और आप लोग उसी तरीके से काम करते रहिए और बाकी इन दोनों पदों पर हम नई वैकेंसी निकाल करके नए पदों पर भरेंगे जो है। तो ये पिछली वैकेंसी 1,37,000 पदों पर इन्होंने 68,500 की पहली भर्ती निकाली थी। तो ये मामला चला गया जो है जब परीक्षा इन्होंने करवाया, लिखित पेपर हुआ तो लिखित के बाद जो है इन्होंने कट ऑफ लगाया, 30-33 कट ऑफ था जो है। और ये जो भर्ती इन्होंने कराई थी ये भर्ती इन्होंने 40-45 कट ऑफ पे इन्होंने करवाई थी, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 30-33 कट ऑफ पे आप भर्ती करवाएं, तो 40-45 कट ऑफ पे भर्ती हो गई और लगभग लगभग 45,000 पद जो है उसमें 45,000 पद भरे गए, बाकी पद रिक्त रह गए क्योंकि उसमें बहुत अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए थे और बीएड को मौका नहीं मिल पाया था, बीटीसी वाले ही कैंडिडेटों को केवल मौका मिला था। तो पहला तो मुद्दा ये हो गया कि लगभग उसमें भी 22-23 हजार से रिक्त रह गई। फिर उसके बाद इन्होंने एक भर्ती और निकाली, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो ये भर्ती निकाली तो इसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट डबल बेंच का आर्डर आया कि
ये आपको मैं बता दूं, ये मेरी बात खुद ही हुई है, तो इस पर आप लोग ये बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मैंने समझा है। आप भी पूरा वीडियो देखें और एक एक पॉइंट को समझें मेरे साथ। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से समझें और शेयर भी करें, लाइक करें दोस्तों। आपके लिए मैं आज दिन भर सुबह से ही मैंने बोला था, आज मैं पूरा एक एक वीडियो जो भी आएगा सब आपके लिए अल्टीमेट होगा, जो आपको एकदम अपडेट करेगा और कल के धरने के लिए आपको आह्वान करेगा। ये भर्ती 7-65 कट ऑफ यानी 90-97 नंबर पाने वाले कैंडिडेटों को ही भर्ती किया जाएगा। जी जी। तो 90-97 कैंडिडेट पाने वाले लगभग 1,45,000 कैंडिडेट इसमें पास होते हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया इन्होंने स्टार्ट की जी। तो ये मामला तूल पकड़ता चला गया क्योंकि 90 मार्क आने वाले जो ओबीसी कैंडिडेट थे और एससी और एसटी कैंडिडेट थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लगभग 83,000 कुछ अभ्यर्थी जो है ओबीसी केवल पास हो गए थे। अच्छा, तो अब मामला ये हो गया कि देखिए एमआरसी और एक ओवरलैपिंग होता है, बहुत ही टिपिकल काम, बहुत ही महीन काम है इसमें। और गवर्नमेंट ने जब स्टार्टिंग की तो 2 चरणों में पहले 31,000 कुछ लोगों को सिलेक्शन दिया, उसके बाद द्वितीय चरण में कुछ लोगों को सिलेक्शन दिया क्योंकि कुछ पदों को कोर्ट ने रोक दिया था जी, कि इतने पे ही नियुक्ति चाहे तो कर सकते हैं, बाकी पदों पर आरक्षित श्रेणी के वर्ग के लोग गए थे वहां पे चैलेंज किए थे जी। तो ये बहुत दिन तक मामला चला, जस्टिस सीयू ललित ने एक बहुत ही महान आर्डर लिखा, उसने 7-65 कट ऑफ को बताया कि नहीं 7-65 कट ऑफ को ही मतलब मैं मानूंगा क्योंकि मुझे क्वालिटी टीचर यूपी में चाहिए जी। तो उसको क्वालिटी पॉइंट मांगते हुए इन्होंने यही कहा कि नहीं ठीक है 90-97 जो कट ऑफ उसी पे चयन आप करिए और बाकी शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का भरांक हम दे रहे हैं, जितने भी शिक्षा मित्र पास है लगभग 8,000 शिक्षा मित्र पास थे उनको नियुक्ति मिली है जी। अब ये मामला ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में क्योंकि उस समय मैंने आपको पहले बताया था कि 1,72,000 शिक्षा मित्र थे जी। तो जो 2014 में इन्होंने समायोजन किया था उसमें 1,37,000 का किया था, बाकी जो पद थे अभी भी रिक्त है जी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बकायदे इनका ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो है काउंटर दाखिल किया इन्होंने कि मेरे यहाँ जो है 51,112 पद रिक्त हैं जिसके सापेक्ष हम नियुक्ति कर सकते हैं जी। और हमारी सरकार ऐश्वर्या भाटी थी मैडम इनके तरफ से और ऐश्वर्या भाटी ने एक्सेप्ट वहां पे किया कि 51,112 है, यूपी सरकार नई भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है जी। अब ये देखिए सर एक चीज इसमें ये मैटर फंस रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती है तो उसके सापेक्ष आप नियुक्ति प्रक्रिया करेंगे 27%, 15% तथा 7.5% जो आरक्षण का बेनिफिट है वो आप 69,000 के सापेक्ष देंगे जी। अगर कोई नया पद जोड़ देते हैं तो उसमें नए पद में ये मैटर आ जाता है कि उसमें जनरल को भी देना पड़ेगा, एससी को भी देना पड़ेगा, ओबीसी को देना पड़ेगा और एसटी को देना पड़ेगा, पीएच को देना पड़ेगा, भूतपूर्व सैनिक को देना पड़ेगा, तमाम लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा उसमें। तो इन्होंने किया क्या है कि जो 6,800 की कल लिस्ट इन्होंने प्रकाशित की है उसमें इन्होंने केवल एससी और एससी को और ओबीसी को और कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के अंतर्गत जो लोग आते थे उन्हीं को आरक्षण दिया है जी। अब ये मामला फिर पहुंच गया हाईकोर्ट, अब हाईकोर्ट ने आज सुनवाई किया है, हाई कोर्ट ने इनका जो लिस्ट है वो मंगाया है और इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस में लिखे हैं ये हाई कोर्ट ये समझना चाहती कि ये मैटर क्या है पहले और इस मैटर को लेकर के हाई कोर्ट अब देखे क्या ऑर्डर करती, केवल वो सुप्रीम कोर्ट का क्यों ऑर्डर थी। देखिये दोनों भर्तियों का क्वालिटी का पॉइंट अलग अलग है जी, बिल्कुल अलग है क्योंकि 30-33 और 90-97 दोनों क्वालिटी पॉइंट अलग अलग है, 60-65 और 40-45 कट ऑफ है और दोनों का क्वालिटी पॉइंट अलग है, इसलिए जो है एक भर्ती के पद को दूसरे भर्ती के पद में नहीं जोड़ा जा सकता है। दोनों ही भर्तियां अलग है, एक लिखित परीक्षा कराई गई है, जी 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 कराई गई है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तरीके से नहीं किया जा सकता। और खुद अभी शिक्षा मंत्री का ही बयान था कि ये चीजें असंवैधानिक है, खुद शिक्षा मंत्री का बयान था। और मैटर ये होता है कि केशव प्रसाद मौर्य सर जाते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के मुलाकात करते हैं और एक उनका ट्वीट भी आता है, बहुत ही चर्चित ट्वीट होगा, आपने देखा होगा, पढ़ा वो पढ़ा होगा कि जल्द ही 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसपे हम लोग जो है जल्द ही कुछ न कुछ समाधान करेंगे। अनुप्रिया पटेल जी ने भी उसमें सहयोग किया है, बिल्कुल किया है।
तो ये मैटर है सर यूपी के अंदर, और जो लगभग 22 से 23 लाख कैंडिडेट हैं वो पीड़ित हैं, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सर नई भर्ती दीजिए। और अब ये बताइए कि 17,000-16,000 पदों पर जो रिक्त है वो 1,37,000 पे ही भर्ती करना चाहते हैं। जी जी जी। और उसमें से कुछ पद 69,000 को दे करके खुश करना चाहते हैं, कुछ पद नए बच्चों को दे करके खुश करना चाहते हैं। जी जी, यही मैटर है इसमें सर। और सर आपने बहुत अच्छे तरीके समझाया, काफी अच्छा लगा। अब मैं इसको जल्द ही जो है वीडियो बनाकर डालता हूँ, और शेयर करिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये है भाई साहब पूरा मैटर, आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं गया जितना मैं सोच रहा था, 10 से 11 मिनट का ही वीडियो है, तो इसमें पूरा डेटा आपको समझ में आ गया, हुआ क्या, हो क्या रहा। अभी भी ये 6,068 जो है ये सुरक्षित नहीं है, ये अभी भी बाहर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा पेंच फंसते जा रहे हैं, और सब में सरकार बच्चों को ही गुमराह कर रही है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सरकार के अधिकारियों के दोषी, सरकार खुद दोषी है, और ये बच्चे इधर उधर ऐसी सर्दी में बारिश में घूम रहे हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती अलग बवाल चल रहा, आप लोग देख ही रहे हैं, उस पर भी क्लियर ही नहीं हो रहा। पीएनपी बोल रहा 5,000 हमने भेजे, वो कह रहे अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या चल रहा क्या नहीं। चलिए समझते हैं चीज़ों को, जुड़े रहिएगा मैथ वर्ड के साथ। ये वीडियो बहुत ही हिट होने वाला है, क्योंकि आप लोग